सोरेन दो दिवसीय दौरे पर साहिबगंज में हैं। उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने गोड्डा में जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर खूब प्रहार किया। उन्होंने राज्य के पिछड़ेपन के लिए बीजेपी पर ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा, प्रदेश को 20 वर्षों तक उन लोगों ने चलाया जो गुजरात चलाते हैं। वे गुजरात को अग्रणी और झारखंड को पिछड़ा बनाने में लगे रहे। गोड्डा और साहिबगंज का सीएम का दौरा, बीजेपी पर खूब बरसे हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने आज गोड्डा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य के पिछड़ेपन और बदहाली के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार ने पहले झारखंड का सत्यानाश किया, अब पूरे देश का सत्यानाश किया जा रहा है। और इस राज्य को विगत 20 वर्षों तक उन लोगों ने इस राज को चलाया जो लोग गुजरात को चलाते हैं। गुजरात को अग्रणी राज्य का जगह पहुंचाने में लगे और 20 वर्षों में इस राज्य को सबसे पिछड़ा राज्य बनाने में लगे रहे। और आज नतीजा ये हुआ कि पूरा राज्य भूखमरी जैसे समस्याओं से ग्रसित होने लगा। ये तस्वीरें साहिबगंज की हैं। सीएम ने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। सीएम ने कहा, सूखे की वजह से इस बार धान की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। अभी और समस्याएं आएंगी, लेकिन सरकार हर सुख दुख में किसानों के साथ है। उन्होंने कर्ज देने में आनाकानी करने वाले बैंकों को भी चेताया। कोई भी काम करना चाहते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख का योजना, वो भी अगर आपको करना है, उसके लिए भी सरकार आपको लोन दे रही है, बैंक लोन नहीं देगा तुमको। राज्य में सियासी सस्पेंस पर अब तक विराम नहीं लग पाया है, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन जनता के बीच जाकर अपने जनाधार को और मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साहिबगंज दौरे पर सीएम सोरेन ने अपनी जनसभा में 1932 का मसला भी उठाया। इस बहाने बीजेपी को निशाने पर लिया। जो महिलाएं सखी मंडल से जुड़ी हैं, यदि उनका डेथ हो जाता है तो उनके पति को बैंक से 2 लाख रुपए। अभी हम जब 32 का खतियान लागू करने का कानून बनाने जा रहे हैं, तब उन लोगों का पेट में दर्द हो गया। बोलता है, ये तो हम ही लोग लाए थे। हम तो बोला, हाँ तुम लोग तो जरूर लाया था, लेकिन ऐसा 32 का खतियान लाया कि आज सैकड़ों लोगों को आपके इस कानून की वजह से जान से हाथ धोना पड़ा। झारखंड